संभल की चंदौसी में स्थित एसएम कॉलेज में नागरिकता संशोधन कानून पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। सिकंदर रिजवी ने कहा कि मैं मुर्दों को याद नहीं करना चाहता। वहीं मुसलमानों पर कहा कि यह कौम 70-80% जाहिल और अनपढ़ है, इसमें बड़े लोग भी जाहिल हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने कहा कि विपक्षी पार्टियां कानून को लेकर भ्रमित कर रही हैं, जबकि कानून देश हित में बना है। कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है, अगर वहां के अल्पसंख्यक भारत में शरण चाहते हैं तो क्या दिक्कत है। जेएनयू में लगे नारे, हमें जिन्ना वाली आज़ादी चाहिए, हमें बुरहान वानी वाली आज़ादी चाहिए, हमें अफजल गुरु वाली आज़ादी चाहिए, पर कहा कि जिन्हें इन लोगों वाली आज़ादी चाहिए सरकार उन्हें अफजल गुरु के पास भेज दे। ये जो गद्दार सड़कों पे घूम रहे हैं, ये बसों में आग लगा रहे हैं, ये ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, दिल्ली में नारा लग रहा है, और दिल्ली में जो नारा लग रहा है वो क्या है, हमें चाहिए जिन्ना वाली आज़ादी, हमें चाहिए बुरहान वाली आज़ादी, हमें चाहिए अफजल गुरु वाली आजादी। जिन लोगों को यह आजादी चाहिए, मैं भारत सरकार से कहता हूं, यह समाज की भी जिम्मेदारी है, जिसे जिसे जिना की आजादी चाहिए, जिसे जिसे बुरहान वानी की आजादी चाहिए, जिसे जिसे अफजल गुरु की आजादी चाहिए, यह सरकार उन्हें अफजल गुरु के पास भेज दे। हमने 70 सालों में जिस तरीके का संविधान बनाया, जिस तरीके से सत्ता पे पहुंचने का रास्ता बनाया, जो झूठ और कुकर्म और वो भी बहुत बड़ा मक्का है। इस देश का मुसलमान सीरिया में क्या हो रहा है, लीबिया में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, फलस्तीन में क्या हो रहा है, इज़राइल में क्या हो रहा है, वो कोई पॉलिटिकल साइंस की किताब नहीं पढ़ता, तब भी उसको पता है। इस मुसलमान को जो भारत में है, जो आजादी मांग रहा है जिन्ना की, उनको यह नहीं पता कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट क्या है, यह एक्ट कैसे पास होगा, यह संसद ने पास किया है, यह किसी पार्टी ने नहीं बनाया है। मैं मानता हूं कि वो तमाम सारे लोग जो उन्हें भोला कह रहे हैं, जो उन्हें मासूम कह रहे हैं, यही वाला मुसलमान मक्कार है। यह झूठ बोल रहा है, यह झूठ बोलना चाहता है, उसका दर्द कुछ और है जिसको वो बता नहीं रहा। इसलिए इस देश की बौनी राजनीति ने 70 सालों में झूठ गढ़े और उन झूठ के ऊपर समाज बनाने की कोशिश की, और वो समाज जब बना और जब वो समाज चेतन हुआ, हालात बदले, चीजें बदली है। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, थोड़ा टेढ़ा जाऊंगा, अगर कुछ किसी को बुरा लगे तो कुछ दिल में रखे। सीए का विरोध पॉलिटिकल पार्टी तो कर रही है, लेकिन मुसलमानों को एक बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि वो कौम 70-80% जाहिल है, और मैं उनके कौम के उन बड़े नेताओं, पढ़े लिखे जिन्होंने डॉक्टरेट भी किया होगा, एमएससी भी किया होगा, उनको भी मैं शामिल करता हूँ जाहिलों में। ये वो अपनी कौम को जाके समझा नहीं पा रहे हैं कि एक्ट के माने क्या होते हैं, भारत के संविधान को जहाँ तुम रहते हो उसके माने क्या है। अमेंडमेंट किया गया है, 3 देशों को नहीं लिया गया कि मुसलमान को वहाँ के यहाँ आएंगे, शरणार्थी हम उनको नहीं लेंगे। उसकी वजह यह है कि आपने ही लकीर खींची थी, जिन्ना ने ही लकीर खींची थी, जिन्ना ने ही मुसलमानों को लेकर, मैं बहुत कटशॉर्ट बात कर रहा हूँ, एक देश को मुसलमानों के लिए बनाया था। अगर मुसलमान उस पर विश्वास करता तो सारों